स्वागत है एक नए व्लॉग में। आज मेरे को जाना है दोस्तों मेहरगांव में, और पिछले व्लॉगों में आपने देख लिया, एक के बाद एक गांव में घूम रहा हूं और फिर से निकल पड़ा हूं मैं अकेले। आज मैं सिंगल हूं क्योंकि आज मेरे साथ कोई नहीं आया। गांव में छोटा सा हमारा जो एक आज का कार्यक्रम है, तो मैंने कहा मैं अकेले ही निपटा दूंगा, इसलिए साथ में मैं किसी को नहीं लाया, अकेले ही चल पड़ा मंजिल की ओर। दोस्तों यहाँ से मैं आया हूँ, इधर सतपुली है पीछे की तरफ को, और ये ऊपर आ गया मैं, और ये देख सकते हैं आप कितना शानदार नज़ारा है यहाँ पर। आज की मेरी बाइक, और ये पीछे सामान बांध दिया है कुछ इस तरीके से, और ये रही मेरी बाइक। वो सामने आपको दिखाता हूँ, नीचे एक छोटी सी नदी मेहरगांव से आती हुई। चलिए चलते हैं इस ओर, ये थोड़ा सा दूर बाद हमें शायद 2-4 किलोमीटर के बाद रेतपुर मिल जाएगा, और उसके बाद निकलेंगे मेहरगांव की तरफ। दोस्तों मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूँ, थोड़े से ही आगे आया था कि यहाँ पर से निकल रहे हैं दो रास्ते, और दोनों रास्ते कच्चे हैं। एक रास्ता चला जाता है ऊपर को और एक ये जा रहा है नीचे, तो मुझे किस रास्ते में जाना है मुझे अभी पता नहीं है। कोई आएगा यहाँ पर या इंतज़ार करूँगा तो उनसे पूछूँगा कि किस ओर मैंने जाना है, मेहरगांव की तरफ को मैंने किस ओर जाना है। यह एक काम करता हूँ, नीचे वाले रास्ते में चलता हूँ, क्योंकि तो मेरी प्रधान जी से बात हुई थी, प्रधान जी ने कहा था कि नीचे वाले रास्ते में एक और पुल मिलेगा, तो मुझे नीचे पुल दिखा दे रहा है। फिलहाल चलते हैं, चलिए नीचे वाले रास्ते में, और नहीं होगा अगर तो ऊपर आ जाएंगे। भाई कौन से कुछ हो रहा। तो यहाँ पर हमें मिली है दो बोड़ी जी, इन्होंने हमको रास्ता बता दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आप लोगों का। अभी मुझे दो महिलाएं मिल गई, और मैंने उनसे पूछा कि मेहरगांव का रास्ता किधर है। उन्होंने बोला मेहरगांव तो यहाँ है ही नहीं, जबकि ऑन रिकॉर्ड वो मेहरगांव है, और वहाँ और आसपास के गांव के लोग बोलते हैं मरगांव। तो बस ये थोड़ा उच्चारण में अलग सा लगता है, पर एक ही गांव होते हैं, तो इसलिए जो है कि कभी भी आप लोग आओ तो थोड़ा थोड़ा जाँच पड़ताल करके आना। इस इलाके में पूरी लैंडस्लाइडिंग हो रही है, आप देख सकते हैं ऊपर तक, तो पता नहीं आगे मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, गाड़ी जाएगी नहीं जाएगी वो तो समय ही बताएगा। पर फिलहाल इधर ये एक पानी का छोटा सा स्रोत, और कितना मोटा पानी आ रहा है, ऊपर पूरा पहाड़ दिखाई दे रहा है, पर नीचे आप देखेंगे ये एक स्रोत, पता नहीं अंदर कहाँ से आ रहा है भाई, बस आ रहा है पानी, और कम से कम 1 इंच पानी पूरा है यहाँ पर। मतलब अगर इस पानी को यूज़ किया जाए तो कम से कम 2-4 गांव के लोग तो आराम से पानी पी सकते हैं। अब देखो आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, ये गांव आप सामने देख रहे हैं, ये जो आप सामने घर देख रहे हैं सिर्फ एक मकान है, और आस पड़ोस में कोई भी मकान नहीं है। ये देखिए, तो इस एक परिवार के लिए देखो लाइट भी आ रखी होगी, पानी भी आ रखा होगा, और सबसे बड़ी बात है कि कैसे करके रह रहा है इस जंगल के बीचों बीच में सिर्फ एक परिवार। ये रोड़े भी अब आई हैं, जबकि समूचा उत्तराखंड जो है कि पहाड़ों से पलायन हो चुके हैं लोग, और अब ये रोड़े आ रही हैं, पर चलो ठीक है, कम से कम अब तो जागी सरकार, जब जागो तभी सवेरा। देखिए साथियों मेहरगांव अभी न जाने क्या क्या और दिखाएगा नज़ारे, एक सामने सुंदर सा झरना, ये शायद पहले पुराने ज़माने का रास्ता रहा होगा पैदल मार्ग, जो कि अब नीचे ये रास्ता कट गया है, तो यहाँ से तो कोई जाता नहीं होगा, और उसके नीचे देखो कितना शानदार झरना। फाइनली हम पहुँच गए हैं मेहरगांव में, ये एक बहुत बड़ा आम का पेड़, और इधर ऊपर ये शायद और ऊपर ये मेहरगांव, तो चलिए चलते हैं मेहरगांव में, और छोटी सी जल्दी जल्दी इस गांव को निपटाते हैं, और फिर आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल बाइक को खड़ी कर देते हैं यहीं पर, और ऊपर उमेश सिंह जी हैं कोई बताया है, तो उनके पास चलते हैं, आगे की रणनीति तैयार करेंगे। इस नल में पानी देखते हैं, अरे वाह पानी आ रहा है, पर सिर्फ एक कमी है, नल हवा में झूल रहा है जो कि गलत है, इसको कम से कम 2 फीट नीचे होना चाहिए था। गांव में पहुंचा ही था कि सबसे पहले गांव में स्वागत किया गया
चाय से, और हमारे उमेश सिंह जी चाय बनाए और चाय पिलाए हमको। धन्यवाद उमेश सिंह जी आपका। जल जीवन मिशन हर घर नल हर घर जल के तहत आज हम यहाँ पर ग्राम मेहरगांव में इकट्ठा हुए। हमने यहाँ पर छोटा सा एक कार्यशाला चलाई जिसमें कि हमने जल गुणवत्ता के बारे में हमने सीखा, है ना, छोटा सा परीक्षण किया पानी के आप लोगों के गांव में कि आप लोगों का पानी जो आप स्रोत का पानी जो आप पी रहे हैं वो पीने योग्य है कि नहीं है, है ना, उसकी हमने जांच की। तो तकरीबन हमारा जो पानी था हमको शुद्ध पाया गया, है ना। प्रसादियों अब इसी के साथ कार्यक्रम को समापन की ओर चलते हैं, और कार्यक्रम समापन से पहले जो है कि यहाँ पर जल शपथ लेना बहुत ही जरूरी हो जाता है कि हम आगे से जल का संरक्षण करेंगे। जब हम शपथ लेंगे तभी जा करके हम जल को जो है कि हम एक अभिन्न अंग मान करके हम आगे उसको उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए साथियों अब जो है कि अपना हाथ आगे करेंगे, शपथ लेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय जल मिशन जल शपथ हम लेंगे, ठीक है। तो मेरे साथ दोहराएंगे, मैं पानी बचाने और उसके विवेकापूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। मैं यह भी शपथ लेता हूँ कि मैं जल का समुचित उपयोग करूंगा तथा पानी की हर बूंद का संचयन करूंगा और जल शक्ति अभियान कैच द रेन को बढ़ाने देने की पूरा सहयोग करूंगा। मैं पानी को एक अनमोल संपदा मानूंगा और ऐसा मानते हुए ही उसका उपयोग करूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूँ मैं अपने परिवारजनों मित्रों और पड़ोसियों को भी इसके विवेकापूर्ण उपयोग और उसे व्यर्थ नहीं करने के लिए प्रेरित करूंगा। यह ग्रह हमारा है और हम ही इसे बचा सकते हैं और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। हम सब मिलकर जल आंदोलन को जन आंदोलन बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेहरगांव में बहुत अच्छा रहा, हमने शपथ भी लिए, तो आज के बाद जो भी हम मतलब जल को दुरुपयोग नहीं करेंगे, इतना हम शपथ लेकर के यहाँ पर से आज अपने अपने घर जाएं। मैंने रास्ते में आते हुए देखा कि आप लोगों के गाँव के टूटियाँ जो है ना वो क्या है, पानी शुद्ध विवेणु, तो वो गलत है माता जी, है ना, फ्री हो रही है। देखो 25 रुपए की टोटी आती है, 40 रुपए की टोटी, अच्छी से अच्छी टोटी 100 रुपए की टोटी आती है ना। तो हम 100 रुपए टोटी लागे क्या हमको ऊपर लगा नहीं सकते, एक बात बोल रहा हूँ मैं, है ना। हम शाम पे कहते 100 रुपए दार 500 रुपए बोतल जरूर पे दोला, पर हम क्या आ जाए हम टोटी नहीं ला सकता, है ना। हाँ तो बड़ी तुमको नहीं फोन चाहूंगी, ठीक है। बड़ी तुम्हारे मालटा खूब लगे अच्छी, देख ले ब्लू, हां नारी क्यों। अजय भाई का चबूतरा फेमस, ये ओपन पक रहा हूं मैं, वायरल भाई का चबूतरा सबसे बड़ा है, चबूतरा फेमस। अस्सलाम वालेकुम, आज कल खाया तुमने कब है, हां ये रही ये और ये रही तो यार सही जरा भी टूटे मत लाओ लाओ बॉडी माल्टा ही लाओ तुम माल्टा ही दो। ये है हमारे साथ उमेश सिंह जी जो कि मेहरगांव के रहने वाले हैं, और इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया हमारा इस गांव में जो भी कार्यक्रम चला है उसमें, तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस गांव के विशेषता बता दूँ, इस गांव में सब लोगों ने क्या किया, जब बोला कोई आ रखा है तो सब ने मुझे थोड़े थोड़े माल्टे दिए, किसी ने बम्बू दिया, किसी ने कुछ दिया, तो बहुत अच्छा लगता है। इस गाँव का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा मेहरगांव से अब मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ, और ये सामने है इधर सतपुली, तो चलते हैं सतपुली की ओर। पर उससे पहले साथियों, मेहरगांव के लोगों ने जो प्यार दिया था, ये प्यार ही समझो, ये छोटा सा माल्टे की कचबोली, यानी कि कचबोली बनाई थी उन्होंने, तो वो मैं खाऊंगा। कुछ साथियों भूख भी लग गई थी क्योंकि सुबह से कुछ खा के नहीं चला था, मैंने कहा थोड़ा सा यहाँ पर माल्टे खाते हैं जो गाँव वालों ने दिया था। दोस्तों इसको देख करके ही मुंह में पानी आ गया, पूरा बैग ही माल्टों से भर दिया, बाप रे।
साथियों अब मैं पहुंच गया हूं सतपुली से थोड़ा सा ऊपर गुमखाल की तरफ को, और यहां पर एक पुरानी याद आपके साथ साझा करना चाहता हूं। बहुत साल पहले यानी कि 7-8 साल पहले एक दिन मैं अपने गांव की तरफ जा रहा था, उस समय मेरे पास इटर्नो था, तो मैं आपको दिखाता हूं मैंने क्या खटक्रम किए थे। साथियों ये एक शीशम का पेड़ है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये एक होल है यहाँ पर, तो इसके अंदर क्या थे, बच्चे थे, तोते के बच्चे, और मैं इस पेड़ पे चढ़ गया और यहाँ से साथियों मैं गिरा सीधा धड़ाम नीचे। बस ऐसे ही तोते के बच्चे निकालने के लिए चढ़ गया और धड़ाम से नीचे। फिर क्या होना था, थोड़ा बहुत चोट चाट लगी, तब समझ में आया कि मैं गलत कर रहा था, फिर वापस निकल गया और इस रास्ते में अपने गाँव चले गया। तो साथियों बचपन में ऐसी मस्ती भी मैंने कर रखी है, अगर आप लोगों ने कुछ इस तरीके से मस्ती करी हुई है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और चलता हूँ मैं अब कोटद्वार की ओर, तो इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, फिर मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।